हेलो गाइज, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। गाइस सब कैसे होंगे? बहुत मस्त होंगे। अगर हम फैमिली की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो तुम लोग सपोर्ट क्यों नहीं करते हो, सब्सक्राइबर क्यों नहीं करते हो हमारे चैनल को? आज देख सकते हो कितना टाइम हो चुका है, 1 साल होने वाला है। लोग कहते हैं 1 साल में कम्प्लीट हो जाता है हमारा चैनल, तो भाई 1 साल में कहाँ हुआ। अभी आधे ना सब्सक्राइबर हुए हैं ना तो आधे घंटे हुए हैं भाई, कहाँ कड़ी मेहनत करनी पड़ती है यार। तुम सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हो भाई? हम क्या इतने बुरे हैं? ये जो सब बैठे हैं तुम्हारे लिए बैठे हैं, ये पीछे से मुँह झुका रहे हैं तुम्हारे लिए झुका रहे हैं, ये नीचे मुड़ी करी तुम्हारे लिए कर रहे हैं, क्योंकि तुम सपोर्ट ही नहीं करते हो। हंस रहे हैं तो तुम्हारे लिए हंस रहे हैं, रो रहे हैं तो तुम्हारे लिए हंस रहे हैं, और ये मोबाइल देख रही है तो तुम्हारे लिए देख रही है। भाई सपोर्ट करो ना, क्यों नहीं करते तुम? क्या चक्कर है हैं यार? हम क्या पागल हैं यार? तुम्हारे चक्कर से वीडियो बनाते हैं यार। भाई सब्सक्राइब करो यार हमारे लिए। हम यार सब तुम्हारे ही ऊपर हैं, तुम्हारे ऊपर है भाई दोस्तों। और वो पीछे बैठे वो कुछ बोल ही नहीं रहे, वो तो ये कह रहे सपोर्ट मत करो इन लोगों को। हम तो परेशान हैं इन लोगों को गुजारा करते करते। क्या कमी रखी है आपके लिए भाई? चरण छीले होते थे, हाँ चरण छीन लेते हैं, क्या करें। करो ना सपोर्ट, गरीब हैं हम लोग, क्या करें। भाभी तुम्हारे लिए हंस के आती है, सज के आती है भाई। जितनी मतलब की इतने की वीडियो नहीं बनती जितनी की गरीब ऑर्डर कर लेती है। देखो हंसने लगी बताओ कुछ अपने बारे में ऑडियंस को। ऑडियंस बताओ ना, ऑडियंस पल्पना तू बता दे। कौन सी कैसी जैकेट ला भाई बता दे। सुपन खान बोले ओम तारा रे रा पुप तो भाई देख सकते हो ये सब बैठे हैं यार। देखो पता क्या, सपोर्ट करो यार। देखो पूरी फैमिली यार दिखाई है मैंने, सिर्फ तुम्हारे लिए दिखाई है पूरी फैमिली। फिलहाल भी हम सब फैमिली इकट्ठे नहीं होते हैं, तुम्हें पता है। और जो भी फैमिली इकट्ठी होती है वो मेरे चैनल पे होती है, मेरा भी एक चैनल है ठीक है, मेरा मोनेटाइज हो चुका है ठीक है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है ऊपर वाले की, तुम लोगों की सपोर्ट से सही चल रहा है मेरा चैनल। बस आप लोगों की सपोर्ट रही तो 1 मिलियन पे मैं जरूर पहुंचूंगा। जिस दिन मैं 1 मिलियन पे पहुंचूंगा उस दिन मैं तुम्हारे लिए इस चैनल पे भी दिखाऊंगा, ये चैनल भी जल्दी से 1 मिलियन में पहुंच जाएगा ठीक है। अरे दोस्तों मैं एक बात बोलना चाहती हूँ आप लोगों से, मगर मेरे देवर के क्यों झगड़ा होता है इतना ज्यादा? जब वीडियो देखोगे आप लोग खोल के तो झगड़े, मियां बीवी में झगड़े। अब पता नहीं आप इनका झगड़ा सुलझा दो यार, फोन कर 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 इनसे। झगड़ा तो सुन चुका है, मैंने ब्लॉक कर दिया, उनके मम्मी पापा को पता चल गया है। मैंने कह दिया है भाई नहीं रहना मत रहो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने सब तरफ से ब्लॉक कर दिया। भाई झगड़ा तो होता ही है, तो मैं क्या करूँ यार ठीक है। जब उसका ही दिल नहीं करता रहने का तो फिर मेरा भी नहीं करता। भाई मेरे पास कमी किस चीज़ की? किसी चीज़ की कमी नहीं है। एक मेरे माँ बाप ने जमीन बेच दी है, वो लोग कहते हैं भाई जमीन नहीं है। अरे जमीन क्या करोगे नहीं तो खाओगे कहाँ से? अरे यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं मजदूरी, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, और क्या चाहिए। तो कभी कभी तो ऐसा हो जाता है धोखा, माँ बाप भी ऐसा कर देते हैं, हो भी जाता है, करते नहीं हो जाता है वो। अब हमने तो नहीं बेची, जितनी उसने बेची उससे ज्यादा हमने बना चुके हैं, घर में इतने पैसे लगा चुके हैं। अरे जब हम काम करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे ना, फिर ऊपर और बढ़िया खा रहे हैं और बढ़िया, और गाँव वालों से अच्छा खा रहे हैं हम लोग ठीक है। तो भाई जमीन देखो या लड़का देखो, जमीन देखोगे तो लड़का नहीं होगा ठीक, अब मैं लड़का देखोगे तो कमाऊ कूद देखोगे, कुछ ना खाता ना पीने नहीं गुटखा ना तम्बाकू कुछ भी नहीं, और फिर भी सेलेक्ट करने को राजी नहीं होते हैं। फिर मैंने इससे अच्छा ये किया, ब्लॉक मार दिया, मैंने जाओ मौज करो जाके ठीक है। जो अच्छा उसने देखा, क्यों क्या देखा उसने? वही तो भाभी, यही तो मैं कह रहा हूँ, उसने देखा क्या मेरे अंदर? पहले ही देखती जमीन, जब देखना है तो पहले ही देखती। भाभी तुम्हें पता है मैं हर बात सभी को शेयर करता हूँ ना, तो मैंने उससे बोला देख मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास पैसा है ठीक है, मैं कमा रहा हूँ खा रहा हूँ, तो पैसा ही हुआ, जमीन तो है नहीं मेरे पास। किसी दिन पछताएगी वो, हाँ पछताएगी, किसी दिन तो पछताना है उसको। किसी दिन क्या, वो अभी 2-4 साल में ही अभी जब तक शादी नहीं हो रही उसकी वो पछता जाएगी। क्यों? देखो ऊपर वाले की दुआ से मेरा चैनल है ठीक है, ये मेरे ऑडियंस मेरे साथ देंगे, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं ये आगे आगे डालेंगे, तो जो मेरा चैनल है वो ग्रो होगा, और ग्रो होगा तो पैसा आएगा, तो वो फिर जब मेरे पास पैसा आएगा तो मैं गाड़ी लूंगा, बंगला लूंगा, सब कुछ लूंगा, तो वो पछताएगी। सारी चीज दोस्तों को ऊपर है दोस्तों, जितना आप बढ़ाओगे उतना ही हम आगे चलेंगे,
जितना हमारी सपोर्ट करोगे उतना ही हम आगे चलेंगे। फिर देखना वो लड़की कितना पछताएगी कि अभी तो प्यार किया है हद से ज्यादा। फोन भी दिया था उसे, तो फोन एक नहीं दो दिन तीन पहुंच चुके उसके पास। दो की तो मुझे पता चली, बाकी तो मुझे पता है नहीं। तो गाइज वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले हफ्ते में मिलते हैं। तो भाई सपोर्ट बनाए रखना आगे से आगे, ठीक है? फिर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखा करो, जो कि हम बन के सब्सक्राइबर हमारे फटाफट हो जाएँ। तो आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त है, पूरी फैमिली आपने देख ही लिए। तो चलो करते हैं पे बात।